أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? देसी होम रेसिपी से मैं आज आपको दिखाऊंगी फलूदा बनाने का तरीका। के लिए मैंने 1½ टेबल स्पून तुफ मलंगा लिया है, 150 ग्राम फलूदा सेमियाँ, 400 मिलीलीटर दूध, जमे शीरी और अफ़ज़ा जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, पिसा हुआ बादाम और पिस्ता 4 टेबलस्पून, जेली, वनीला आइसक्रीम, टू टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। अब मैंने तो मलंगे के अंदर पानी डाल देना है। और इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। सेमियां उबालने के लिए मैंने पानी रखा है, इसमें मैं सेमियां डाल रही हूँ। इनको तब तक पकाना है जब तक ये गलती सेवइयां सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैंने इनको ठंडे पानी में डाल के रखना है। अब मैंने दूध उबालना है। अब दूध को उबाल आ रहा है, मैंने इसको साथ साथ हिलाना है। दूध को गाढ़ा करना है 400 मिलीलीटर से 200 मिलीलीटर रह जाए। दूध अब काफी गाढ़ा हो गया है, इसमें मैं पिसा हुआ बादाम और पिस्ता 1½ टेबल स्पून डालूंगी। और कंडेंस मिल्क अगर कंडेंस मिल्क आपके पास नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून चीनी डाल सकते हैं। अब मैंने 2 मिनट इसको और बॉईल करना है। मैंने गैस ऑफ कर देनी है। दूध को ठंडा करके फ्रिज में रख देना है 1 घंटे के लिए। सभी चीजें ठंडी हो जाएंगी तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। अब 1 घंटा हो गया है, सारी चीजें मैंने फ्रिज से निकाल ली है, तो लंगा इस तरह हो गया है। आप 1 घंटे से ज़्यादा भी फ्रिज में रख सकते हो, और आइस क्यूब भी डाल सकते हो फलूदे में अगर डालना चाहते हो तो। अब मैंने एक गिलास में डालने हैं सारी चीज़ें। पहले मैं सेमियाँ डाल रही हूँ गिलास में। अब मैंने रूह अफ़ज़ा डालनी है। अब तो मलंगा डाल रही हूँ मैं, 4-5 चम्मच इस्तेमाल किए हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। अब मैंने आइसक्रीम डालनी है ऊपर।
अब मैं जेली डाल रही हूँ। इसके ऊपर मैंने दूध डालना है, दूध काफी गाढ़ा हुआ हुआ है। इसके ऊपर मैं रेड जेली डाल रही हूँ। थोड़ी और सेमिया ऊपर डाल रही हूँ। तो लंगा लास्ट में थोड़ी सी आइसक्रीम, ऊपर मैंने बादाम और पिस्ता डालना है। फलूदा तैयार है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें प्लीज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।